आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, आज 29 अगस्त को 7:23 पर एक प्रेस रिलीज आई है और ये प्रेस रिलीज बहुत ही राहत देने वाली है। इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा गया है जी, इन्होंने जो एमनिटी स्कीम थी उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है और जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात थी, जो रिवोकेशन आप लोग नहीं कर पा रहे थे, उसकी भी डेट को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो चलिए हम इस प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, पूरी वीडियो को समझते हैं क्या है। सर, ये प्रेस रिलीज हमें कहाँ से मिलेगी? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पीआईबी की साइट पर जाओगे, वहां से आप ये प्रेस रिलीज डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या कहती है प्रेस रिलीज, इसके साथ साथ नोटिफिकेशंस भी आई है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले प्रेस रिलीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। प्रेस रिलीज में क्या कहते हैं ये कि भाई जो हमने एमनिटी स्कीम की जो डेट थी, जो 31 अगस्त को एक्सपायर हो रही थी, उस डेट को बढ़ाकर हमने 30 नवंबर 2021 कर दिया है और आप इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 33 को रेफर कर सकते हैं जो आज ही के दिन इशू की गई है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो एमनिस्टी स्कीम आई थी इसमें लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। फायदा क्यों नहीं हो रहा था? वो रिटर्न तो फाइल करना चाहते थे लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल थे, तो जब वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने जाते थे तो वहां पर वो रिवोक नहीं हो पाता था। तो सब लोगों ने ये डिमांड करी कि भाई आप इस स्कीम का फायदा तभी हम ले सकते हैं जब आप हमारा रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने दो। तो इन्होंने क्या करा, एक नोटिफिकेशन आज निकाली है और क्या बोला है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का, इस बात को ध्यान से रखिए, अगर आपका किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका जो रिवोकेशन का टाइम पीरियड है वो 1 मार्च 2020 से, मतलब पिछले साल 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 तक के बीच में आता है कि भाई वो रिवोकेशन फाइल कर सकता था। कब तक? 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के अंदर। तो यहां पर इस बात को बोला गया है कि उसकी एप्लीकेशन रिवोकेशन की अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कब तक? 30 सितंबर 2021 तक। इस चीज को ऐसे समझिए कि मिस्टर रामलाल है, उसका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, लेट सपोज 15 अप्रैल 2020 को कैंसिल हुआ, अब वो रिवोकेशन के लिए 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता था, बाद में इस टाइम को बढ़ा भी दिया गया था। तो अगर उसका रिवोकेशन का टाइम पीरियड इस पीरियड के अंदर आता है तो वो रिवोकेशन फाइल कर सकता है, कब तक? 30 सितंबर 2021 तक। ये बड़ा ही वेलकम चेंज इन्होंने दिया है। लेकिन रिवोकेशन किस वजह से, अब ये मत समझना कि मैंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा तो मैं भी रिवोकेशन कर सकता हूं, नहीं। रिवोकेशन ये जो एक्सटेंशन है किसके लिए अप्लाई होगा? अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29(2) में कैंसिल कर दिया है डिपार्टमेंट ने। 29(2) में कैंसिल किस वजह से होता है कि भाई अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, 6 रिटर्न ने आप फाइल नहीं करते हो या कंपोजिशन के केस में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है सेक्शन 29(2) से। तो अब आप उसका रिवोकेशन फाइल कर सकते हो। पहले इस वाली सिचुएशन को लोग बाग अपील से हैंडल करते थे और कई बार हमारा रिवोकेशन अप्रूव नहीं होता था, इसलिए इन्होंने इस चीज को यहां पर मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन नंबर 34 में, ये चीज बोली है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आपकी GSTR 3B, GSTR 1 और IFF, अगर आप, ठीक है ना, DSC से फाइल करते थे, लेकिन DSC कई लोगों के बड़ी दिक्कत में है, ऑफिस में है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अब आप उसे EVC से वेरीफाई भी कर सकते हो। पहले ये वेरिफिकेशन के लिए दे रखा था कि आप 31 अगस्त तक वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन अब इस पीरियड को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। तो अब इस वजह से जो आपने, इन्होंने एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाया है और ये जो रिवोकेशन का टाइम दिया है, इससे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन भी पढ़ ले, हालांकि नोटिफिकेशन में भी यही बात को लिखा गया है। तो चलिए पहली नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं। सर, ये नोटिफिकेशन कहां से मिलेगी? भैया अभी CBIC की साइट पर नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? E-Gazette की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको यहां पर डाउनलोड करके दिखाई है, E-Gazette से आप इसे डाउनलोड यहां से कर सकते हो।
चलिए तो एक बार नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 34 से ही शुरू कर लेते हैं। तो इन्होंने इस चीज को बोला है, आप पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हो। हमारा जो मैगजीन का एडिशन आने वाला है ना भैया, सितंबर का, सितंबर के एडिशन में हम ये वाली सारी चीजें विद एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। तो ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, नोटिफिकेशन नंबर 34 ये कहती है कि भाई जिन लोगों का रिवोकेशन की डेट फॉल हो रही है, रिवोकेशन कौन से सेक्शन में होता है, अंडर सेक्शन 30, अगर आपकी रिवोकेशन की डेट आप फॉल हो रही है 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021, तो आप उसकी एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का नटसेल ये है। चलिए जी, ये नोटिफिकेशन तो हो गई। अगली नोटिफिकेशन सिंपल सेक्शन 128 के अंदर आई है। सेक्शन 128 किस चीज का, लेवी ऑफ लेट फीस में आपको रिलैक्सेशन देने का। तो उसमें बोला है कि जो एमनेस्टी स्कीम हमारी खत्म हो रही थी 31 अगस्त में, उसकी डेट को बढ़ाकर हमने 30 नवंबर कर दिया है। चलिए जी, अब उससे अगली नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन अगली में क्या कहा गया कि भाई जो आप ये डीएससी से वेरीफाई करा करते थे ना 31 अगस्त की जगह, उसका टाइम कर दिया है हमने 31 अक्टूबर, ये भी आप ध्यान रख लो। और इसमें मजे की बात और क्या बोली है इन्होंने कि 1 नवंबर 2021 से ये वाला जो रूल का प्रोविजो है ना, ये हट जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आप डीएससी से फाइल करो, ये प्रोविजो ही हम हटा देंगे, मतलब नॉर्मल ईवीसी से ही फाइल होगा, ये चीज ये कहना चाहते हैं। ASMT 14 के अंदर भी इन्होंने कुछ वर्ड्स को चेंज करा है। और ई वे बिल के अंदर जो हमारा रूल 138 ये जो थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उसमें भी एक प्रोविजो इन्होंने इंसर्ट करा है। अब ये वाली सारी चीजें हम क्या करेंगे, जो हमारी सितंबर मंथ की मैगजीन है उसके अंदर हम आपको दे देंगे। तो अगर आपको हमारी सितंबर मैगजीन सब्सक्राइब करनी है, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कॉल करके मैगजीन की डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको सैंपल कॉपी चाहिए तो सैंपल कॉपी भी आप ले सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आई है, आज के आज ही उन्हें मिल जाए, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। जिन लोगों को टेंशन हो रही है 31 अगस्त की, उनकी टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। सर जो टर्नओवर वाली चीजें हैं, क्या उसकी लास्ट डेट बढ़ेगी? नहीं भैया, टर्नओवर की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। एमनिटी स्कीम की लास्ट डेट बढ़ानी थी, वो इन्होंने बढ़ा दी, ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने मोबाइल में हर लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त आपकी सराहना करे कि हाँ भाई अच्छा कंटेंट ये व्यक्ति हमें भेजता है। तो ऐसा अच्छा कंटेंट सबको शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।